हेलो एवरीवन। और दोपहर के बजे मैं कर रही हूँ काम घर में, क्योंकि आज मैं रख रही हूँ जो सर्दियों के कपड़े निकाले थे और गर्मियों के निकाल रही हूँ, और सारा घर फैला पड़ा है। मैं आपको दिखाती हूँ, और आज मैं करने वाली अलमारी सेट गर्मियों के कपड़ों से। आज पूरा दिन बिजी है, काफ़ी दिन से थोड़ी तबीयत खराब चल रही है। बीपी हाई ने कर रखा है परेशान, बहुत ही तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही है। लेकिन फिर भी तबीयत चाहे कैसी भी है, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है, घर के सारे काम तो करने ही पड़ते हैं। और आंखों में मेरे अभी ऐसा लग रहा है जैसे नींद भरी भरी सी, बहुत ही तबीयत थोड़ी डाउन है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम घर का काम तो करेंगे ही। और आज हम करने वाले हैं अपने यानी कि अलमारियों की सेटिंग, क्योंकि सर्दी के कपड़े अब हम रख रहे हैं और गर्मियों के निकाल रहे हैं, और इसमें मेरी मदद कोई नहीं कर रहा, क्योंकि मिनिक जा चुकी है लैब, और दिया भी स्कूल गई है, और चीनू की हो रही है थोड़ी तबीयत ख़राब, वो ले रही है फुल रेस्ट। इसलिए अब मैं ही करने वाली हूँ इस अलमारी सेट बच्चों की। और देखिए मैं दिखाती हूँ अब कितना फैला पड़ा है मेरा घर आज। ये अलमारी बच्चों की जो मैं सेट करने वाली हूँ आज, देखिए। और देखिए कितना सारा सर्दियों के कपड़े का ढेर लगा है। ये सिर्फ मिन्नी के और दिया के कपड़े हैं, देखिए कितना बड़ा ढेर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सर्दियों के सारे मिन्नी और दिया के ही कपड़े हैं। अभी इन्हीं की अलमारी सेट कर रही हूँ मैं मिन्नी और। अभी अपनी और चीनू की और इसके पापा की अलमारी से तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया है, लेकिन इतने सारे कपड़े बच्चों के सर्दी के कपड़े कोट निकलता है पूरा, और ये बच्चे तो सब चले जाते हैं, मुझे ही करना पड़ेगा सारा काम। अब मैं इस अलमारी को सेट करने के बाद आपको दिखाती हूँ और मिलती हूँ कुछ देर बाद। कपड़ों को रख रही हूँ इन कट्टों में भर भर के, इनकी तह बना बना के सारे कपड़े इसमें रख रही हूँ, क्योंकि जिस तरह अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे इन कट्टों में, फिर गर्मियों में जब सर्दियों में हम इन्हें निकालेंगे तो ऐसे कैसे ही मिलेंगे, कोई धूल मिट्टी लगेगी। इसलिए बड़े बड़े कट्टे लिए हैं मैंने, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। और ये बैग में इस रूम में भी ये ढेर लग गया है, ये निकाल दिया हमने गर्मियों के कपड़े बच्चों के। और देखिए ये भर दिया हमने कट्टा, एक कट्टा इधर भरा है, कट्टे इधर भर दिए मैंने सर्दियों के और सर्दियों के। आज तो मेरा पूरा दिन बिजी जाने वाला है इन कपड़ों में ही। और शाम को है आज हमारे इधर कोई पार्टी, उसमें बच्चे जाएंगे, मैं तो नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ कहीं भी। आजकल बच्चे ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पड़ोस में हो चुकी है शादी शुरू, और अब बच्चे करने वाले हैं उसमें फुल एंजॉय। और मैं करती हूँ अपने घर का काम खत्म, और मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। बाद में अलमारी जब सेट हो जाएगी मैं आपको पूरी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने स्कूल से, और यहाँ पे देखो मम्मी ने क्या कर रखा, पूरी जगह गंदगी फैला रखी है। और यहाँ पे अभी मम्मी गई है मेरे लिए पराठे बनाने के लिए, और यहाँ पे मैं रिलैक्स कर रही हूँ, और मम्मी ने मेरा फोन थमा दिया, बोल के चलो बाय। गाइस देख लीजिए यहाँ पे मम्मी क्या बना रही है, पराठे बना रही हो ना, जल्दी बना दो आलू के पराठे। किचन भी फैला हुआ है आज तो मेरा किचन भी फैला हुआ। हाँ घी बनाओ अभी भी। गाइस यहाँ पे मेरा आलू का पराठा बन रहा है, और अब मम्मी लगाएंगी इस पे देसी घी, क्योंकि पहले मैंने उसका लाई हूँ दिया के लिए, और अच्छा। तो मेरे को पानी लाई हो, पानी ले आऊंगी। अच्छा ले आऊंगी तो उसके दिया मैंने पराठा दे दिया है बना के, और मैं देने जा रही हूं थोड़ा पानी, फिर उसके बाद आगे प्रोसेस शुरू करते हैं कपड़ों का, क्योंकि आज तो हमारा पूरा दिन कपड़ों में ही जाने वाला है, आज तो हम बहुत बिजी हैं। और देखिए अब चलते हैं थोड़ा पानी लेके दिया के लिए, एक गिलास भी हमसे नहीं निकल रहा है, अब हम ले लेंगे थोड़ा पानी, फिर चलते हैं दिया को पानी देने के लिए, आज तो आराम भी नहीं मिल रहा है थोड़ा। मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। और फाइनली चीनू ने रख दिए हैं सर्दियों के सारे कपड़े भर के बोरे के अंदर, ये रख दिए गए अलमारी में। देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आज ये सर्दियों के कपड़े रखने के लिए हमें, माय गॉड किस किस तरह गिरा 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 बच गया बच गया बच गया बच गया। और फ्रेंड आज है नेक्स्ट डे, कल हमने वीडियो शूट नहीं करा था, हमने दिखाया नहीं था आपको कि हमारे सारी अलमारियाँ सेट हो गई हैं, सारे कपड़े रख दिए गए हैं सर्दियों के, गर्मियों के निकाल दिए गए हैं। आज मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए मैं दिखाती हूँ सबकी एक एक साथ सारी अलमारियों को आपको, देखिए और देखिए ये वकील साहब की अलमारी लगा दी गई है, देखिए सारे गर्मियों के सर्दियों के कपड़े रख दिए गए हैं और गर्मियों के गए हैं निकाल, कुछ कोट टंग रहे हैं यहाँ पे, ये रहने दिए हैं, देखिए सारी वकील साहब की अलमारी है। और ये मिनी ने थोड़ा नीचे का हिस्सा मिनी ने कवर कर लिया है, ये मिनी के कपड़े लगा दिए हैं मैंने इसमें,
और कपड़े इतने हैं कि अभी लगाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि लगाए ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही पड़े हैं। और फ्रेंड्स मैं बैठी हूँ किचन में और देखिए मैंने कर दिए किचन किचन के भी ड्रॉर साफ। मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने सेट कर दिया उसमें बेड सीटें जितनी भी कॉटन की निकाली हैं मैंने, सारी बेड सीटें गर्मी की दिए और सिंथेटिक सारी बेड सीट रख दी और कंबल भी मैंने रख दिए हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए कैसे, देखिए ये सारी कॉटन की बेड सीट है जो अब गर्मियों में बिछाई जाएंगी। ये पिल्लो कवर है और पीछे रख दिया है मैंने मिक्सी और इडली का वो। अब मैं इसको कर देती हूँ बंद और देखिए अब ये कर दिया है बंद, आधा सामान मेरा इसमें सेट हो गया किचन के ड्रॉर में ही। और अब चलते हैं फ्रेंड्स छत पे। मैं अब आ गई हूँ टेरेस पे, टेरेस पे मैं लगा रखी है मशीन मुझे धोने हैं आज बहुत सारे कपड़े। देखिए क्या ढेर लगा हुआ है, सारे कपड़ों का ढेर और मैं जो धोने हैं। और देखिए खड़ा है टेरेस पे हमारा डुगू, हेलो करो हेलो करो हेलो करो हेलो करो, ये खड़ा है टेरेस पे डुगू। ये इसकी मम्मी कर रही है सफाई, नहीं करे। और देखिए पालकों पे आ गया हमारे बीज, ये बीज कुछ दिन में सूख जाएगा फिर इसका बीज बन जाएगा। और ये लगा दिया मैंने मशीन कपड़े धोने के लिए और जल्दी जल्दी काम खत्म करती हूँ फिर चलते हैं नीचे, नीचे भी देखना है हो गया काम यहाँ से। और फ्रेंड देखिए हमारे यहाँ लगा हुआ टमाटर का पौधा और इसमें आ गए छोटे छोटे टमाटर, कितने प्यारे लग रहे हैं देखिए छोटे छोटे से टमाटर। और ये देखिए अजवाइन का पौधा, ये धूप होने लगी थोड़ा एलोवेरा रेड रेड हो गया है देखिए धूप से। और इसमें भी आ गए हमारे पालक के बीज, अब ये जब ग्रो जाएंगे सूख जाएंगे अच्छी तरह तब हम इनको फिर बो देंगे। और ये आई हमारी ननद प्रीति ये पहले हाई पर रहती थी अलग चली गई है, देखते हो मेरे ब्लॉग? हाँ, देखते। अच्छा है ना। और ये हमारी ननद है, ये बहुत दिन बाद आई है यहाँ पे, ये पहले हाई पर रहती थी पास में ही लेकिन अब ये थोड़ी दूर चली गई है, इनकी ससुराल थोड़ा दूर है, अभी हमसे मिलने के लिए आई है बहुत बहुत दिन बाद। अब चलते हैं हम नीचे और मिलते हैं आपसे नीचे। और गाइस शाम के बजे हैं 5 और देखिए वकील साहब आ चुके हैं कोर्ट से, आज जल्दी आ गए थे ये। और देखिए दिया कर रही है टाइम पास, इसका पढ़ाई का तो मन कर नहीं रहा है, पढ़ने के लिए तो जा नहीं रही है। और देखो कितना वो कर रही है ये परेशान मुझे, और ये चीज़ निकल के चल दी है। और मैंने आज कपड़े धोए थे, कपड़ों का लगा हुआ ढेर, इनकी तय लगानी है मुझे यार, अब शाम को तो खाना चीनू ही बनाने वाली है, मैं नहीं बनाऊंगी आज, इसलिए मैं कपड़ों का तय तो आज करेगी चीनू बनाएगी, आज मैं नहीं बनाने वाली इसलिए क्या आज बनेगा मटन कोरमा। ठीक है मैं करती हूँ कपड़ों की तय लगाती हूँ। इसके बाद फिर मम्मी मेरे को डांटेंगी परंपरा, क्यों क्यों डांटूंगा तुझे परंपरा, नहीं डांटेंगी फिर ठीक है, चली जा पढ़ ले जाके पिटेगी मेरे से। और फ्रेंड्स शाम के बजे हैं 8, रात के बजे हैं 8 और अब बन चुका है हमारा डिनर। और देखिए सब कर रहे हैं डिनर का वेट, देखो मिनी भी आ चुकी है लैब से, दिखाती हूँ क्या आर्ट एंड क्राफ्ट वाली रिंग मेरी, क्या बनाया है देखिए दिया ने बनाई है बटरफ्लाई वाली रिंग, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और देखिए मिनी भी आ चुकी है लैब से, देखिए लगी हुई है चला रही है। और फ्रेंड हमने आज डिनर बनाए हैं दाल चावल और मटन कोरमा हमारे लिए, और बच्चे खाएंगे दाल चावल क्योंकि वो वेजिटेरियन है, नॉन वेज खाना पसंद नहीं करते बच्चे, इसलिए उनके लिए बनाई है हमने दाल चावल। और अब हम कर रहे हैं तैयारी दाल में तड़का लगाने की, देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। प्रेशर कुकर में हो रहे हैं हमारे मटन रेडी, और देखिए दाल ये चावल कर दिया हमने बॉयल और दाल भी हमारी बन चुकी है। दाल रखी है इस कढ़ाई में क्योंकि थोड़ी सी बनानी थी इसलिए हमने कढ़ाई नहीं बनाई। देखिए दाल में लगने वाला है थोड़ी देर में तड़का, ये हमने धनिया पत्ता पहले ही डाल दिया था इसमें, देखिए मैंने अभी लौट, ये देखिए हमने बना रही है, ये बन चुका है हमारा डिनर, जल्दी से खा दिया। देखिए रोटी तैयार बन चुकी है, दिया ले चलती है खाना खाने के लिए, देखिए और फ्रेंड्स आप भी खा ले। और गाइस रात के बजे हैं 9 और हम सब डिनर कर चुके हैं। और देखिए चीनू को थोड़ा आ रहा है गुस्सा, प्लीज इसके गुस्से पे ध्यान मत दीजिएगा। क्या करें बाबू, स्माइल करो फेस पे देखा कितना खुश है, बर्तन साफ करते हो किसी का बच्चा इतना खुश रहता है बर्तन साफ करते नहीं, लेकिन ये मेरा बच्चा है बहुत खुश है, देखिए कितना खुश है, आई प्राउड ऑफ यू, मेरी काम चोर बेटी नंबर इसका था, ये जी से जी चुरा के काम से, अब देख कैसे घूम रही है अभी, और कुछ खाने के ढूंढ रही है ये
एंड देखिए अब हम वीडियो का यही एंड करते हैं। वीडियो हो चुकी है कंप्लीट और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। देखिए प्लीज आप लाइक नहीं करते हो वीडियो को, इतने सारे लोग देखते हो और एक लाइक नहीं करते, लाइक बहुत कम आ रहे हैं। प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को नए देखते हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना तो कतई ना भूले। टाटा बाय बाय।